तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पनीर की रेसिपी बताई, मिक्स वेज की रेसिपी बताई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गार्लिक नान की भी रेसिपी बताई जाए। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए गार्लिक नान की रेसिपी। ये बिल्कुल आप घर पे एकदम आसानी से बना सकते हैं बिना तंदूर के, तवे पे, और बहुत आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल होटल जैसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मृदुल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मलाई मार के में। तो दोस्तों यहां पे लगभग हमने 2 कप के करीब मैदा लिया हुआ है। तो आप सबसे पहले हम इस मैदे में गार्लिक ऐड करेंगे, अपना 2 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक था, क्योंकि हम गार्लिक नान बना रहे हैं तो गार्लिक तो मेन है दोस्तों। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम गार्लिक को। अब इसके बाद हमें लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ये सॉल्ट ऐड करना है इसमें, और इसे भी हमें अच्छे से मिलाते जाना है। अब हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर लिया है। अब लगभग हमें 1.5 चम्मच के करीब ये चीनी ऐड की हुई है मैंने, 1.5 चम्मच ही ऐड करना है दोस्तों। तो 1.5 चम्मच के करीब हमें चीनी ऐड करके ऐसे मिला लेना है, और इसके बाद हमें ये घी ऐड करना है लगभग 1 टेबल स्पून। दोस्तों अच्छे रिजल्ट के लिए घी ऐड करना, तेल से भी काम चल सकता है बट घी बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है, इससे रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। ये जो मॉइस्चर होता है वो रोटियों के अंदर बहुत ही अच्छे से बना रहता है, तो आप घी यूज़ करिएगा बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने घी को भी। देखिए हमारा घी भी अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। अब घी मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा ये कर्ड ऐड करेंगे, लगभग 1/2 कप के करीब। दोस्तों दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसे भी हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कर्ड मिक्स करने के बाद हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों हर चीज़ को, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए आटे में। और इसके बाद लगभग 1/4 टेबल स्पून थोड़ा सा हमें ये मीठा सोडा ऐड करना है, और इसे भी मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना हमें दोस्तों। हल्का हल्का पानी डाल के बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो लगाना है। तो देखिए हम हल्का हल्का पानी डाल के हमने सॉफ्ट डो लगाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल हल्का हल्का पानी डाल के एकदम सॉफ्ट डो लगाना है दोस्तों, एकदम चिकना हमें इसको गूंथ के लगाना है। ये टाइम लेगा लगभग 10 मिनट तक दोस्तों, जितना चिकना हम इसे बना सकते हैं उतना चिकना हमें इसको बनाना है दोस्तों। तो देखिए हमारा डो लग के तैयार है, और देखिए कितना सॉफ्ट है दोस्तों। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, इसके बाद अपनी रोटियां बनाना शुरू करें। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक लोई काटते हैं एक साइड से। यहाँ पे दोस्तों आप साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा, इतना होना चाहिए साइज कि आटा रोटी जो है हमारी तवे पे आसानी से आ जाए। अब बस इस रोटी को हमें सीधे बेल लेना है, हल्का सा मैदा लगा के थोड़ी पतली पतली ही बेलनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है। और इसे थोड़ा हमें लाइक लॉन्गिट्यूडनल वे में इस तरीके से साइज देना है इसका। और इसके बाद ऊपर से थोड़ी सी धनिया हमें हरी स्प्रिंकल कर देना है ऐसे, और इसको एक बार ऐसे ऐसे दाब देना है बिल्कुल वैसे ही। अगर आपके पास काले वाले तिल हैं दोस्तों तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, मेरे पास थे नहीं तो हमने लगाया नहीं। अब पलट के रोटी को इसके दूसरी तरफ हमें हल्का सा वाटर अप्लाई करना है चारों तरफ, जिससे कि ये तवे पे अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़ा सा चारों तरफ हमें वाटर अप्लाई करना है इस रोटी पे, और बस इसे मीडियम फ्लेम तवे पे डायरेक्ट जाके फ्लिप कर देना है। तो देखिए बस इसे हल्के हाथों से हमें इस तवे पे इस तरीके से डाल देना है। देखिए हमारी रोटी तवे पे पड़ चुकी है, और विद इन 30 सेकेंड ये देखिए इसमें ये फूलने लगी है दोस्तों बिल्कुल नान की तरह। अब हमें बस इस तवे को ऐसे ही उठा के, जब इस स्टेज पे आ जाए इस तवे को ऐसे उठा के हमें अपनी फ्लेम को हाई करना है थोड़ा, और इसे पलटा के ऐसे सीखना है। आपको एक बार और दिखाते हैं हम दूसरी रोटी लगा के दोस्तों। तो इस तरीके से हमें रोटी रखनी है, और इसका हल्का हल्का जब इसमें ऊपर से फूलने लगे तो इस तवे को हमें ऐसे पलटा के हाई फ्लेम पे इसे सेकना है दोस्तों। इसे ऐसे सेक सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे अपने चिमटे से भी सेक सकते हैं इस तरीके से। देखिए हमने इस तरीके से भी आपको बताया,
आप चिमटे से भी सेक सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तवा पलटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए हमारी एकदम परफेक्ट रोटी बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हम ताज़ा एकदम बटर लगाएंगे और इसको अपने नान को हम चिकन मटन जिसके साथ चाहें उसके साथ अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का आपको हमारा वीडियो, में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।